मैं जलिस प्रदीप वर्मा, आप देख रहे हैं ये कोलकाता एक्सप्रेस है और लखनऊ से एक एमबीए की छात्रा एक छोटे से बच्चे को लेकर ट्रेन पर चढ़ने जा रही थी, फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में चूड़ी धस गई और कंट्रोल को फोन किया गया और उसके बावजूद भी डॉक्टर आ रहे हैं और दवा देकर चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड हजारीबाग। झारखंड की, क्या है, कैसे क्या हुआ? मेरा एग्ज़ाम 19 तारीख को ख़त्म हुआ और 20 तारीख को मेरा लखनऊ से ट्रेन था कोलकाता एक्सप्रेस में, तो इस दौरान मेरा जो है आते समय बस M1 जहाँ पे था वहीं पे एक गड्ढा था, उसमें पैर से गिर गया और गिर गया तो यहाँ से चोट हो गया है, बस एक शीशा घुस गया है। फिर तो क्या हुआ? कॉल, हाँ, उसके बाद सर मिल के यहाँ पे कॉल लगाए कंट्रोलर को, तो पहले तो लखनऊ में कुछ नहीं हो पाया, बहुत ब्लीडिंग हुआ मेरा, बहुत ब्लड आया, तो कोई देखने वाले नहीं थे। फिर कौन से स्टेशन पे दो लोग आए, कंपाउंडर लोग आए जो कि बाराबंकी में, तो कोई वो लोग आके देखे, सिर्फ कुछ अपने साथ लेके नहीं आए थे, सिर्फ वो लोग मलहम और पट्टी लेके आए थे, तो उससे कुछ हो नहीं पाया, जो कि मेरे हाथ में चूड़ी घुसा हुआ और वो लोग पट्टी किए जा रहे थे, तो दर्द हो रहा था मुझे, तो वो लोग खुद ही देखे, तो फिर वो बोले चूड़ी निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए ये लोग बोले कि अयोध्या कैंट में होगा। अब मैं अयोध्या कैंट में हूँ और अभी सिर्फ एक आते हैं आदमी और वो सिर्फ मुझे पेन किलर का दवा दे रहे हैं। आपके साथ कौन कौन है? अभी सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी है। कितने साल की? अभी 6 महीने की। 6 महीने की। आप देख रहे हैं रेलवे विभाग की घोर लापरवाही, एक महिला 6 महीने की बच्ची लेकर अकेले सफर कर रही है ट्रेन में और यह विभाग अपनी लापरवाही की गीत गा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत सिंह के साथ प्रदीप वर्मा।